क्या डीएनसी प्रोसीजर करते समय दर्द होता है, और दूसरा कि क्या डीएनसी प्रोसीजर में बेहोशी दी जाती है। ये दो आप लोगों के क्वेश्चन हैं। पहली बात यह है कि डीएनसी प्रोसीजर जो गर्भाशय की सफाई जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें बेहोशी दी जाती है, क्योंकि उसमें सर्विक्स जो गर्भाशय का मुंह है उसका डायलेशन किया जाता है। चूँकि डायलेशन के समय दर्द बहुत ज़्यादा होगा इसलिए बेहोशी दी जाती है। तो ये बेहोशी के अंदर करी जाती है या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें दर्द नहीं होगा। दर्द इसलिए नहीं होगा कि या तो इसमें बेहोशी दी जाएगी मतलब पूरा बेहोश किया जाएगा, या तो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाएगा। अब ये जो डीएनसी प्रोसीजर, इसका जो मेन उद्देश्य होता है कि इसमें जांच भी हो जाती है यूट्रस के अंदर की उसमें किसी तरीके का कैंसर है कि टीबी के बीमारी है या कोई इंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है कि कोई पॉलिप है, तो ये जांच भी हो जाती है और इससे इलाज भी हो जाता है। जैसे कि किसी को एबॉर्शन हुआ है या किसी को प्रेगनेंसी के बाद प्लेसेंटा रह गया है या किसी को इंडोमेट्रियल पॉलिप वगैरह है, उसका इलाज भी हो जाता है। तो ये जांच के में भी काम आती है और इलाज के भी काम आती है। ये जो आपका क्वेश्चन है कि जो गर्भाशय की डीएनसी होती है उसमें क्या बेहोश करते हैं कि नहीं करते, तो जी हाँ बिल्कुल बेहोशी दी जाती है और ये दर्द भरा प्रोसीजर नहीं।